डॉक्टर मनप्रीत, इंट्राकुलर लेंस क्या है? IOL एक ऐसा आर्टिफिशियल लेंस है जो आँख में इम्प्लांट किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनका जो नेचुरल लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है और अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है। डॉक्टर मनप्रीत, IOL लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंट्राओकुलर लेंसेज जो हैं वो अब बहुत तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। कुछ लेंसेज जिनको हम मोनोफोकल बोलते हैं वो सिर्फ दूर की नज़र करेक्ट करते हैं। अदर देन दैट देर आर मल्टीफोकल लेंसेज, टॉरिक लेंसेज, एकोमोडेटिव लेंसेज, सो ईडॉफ लेंसेज। तो आपका डॉक्टर बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपकी आँख के लिए बेस्ट लेंस कौन सा है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी से एस्टिगमेटिज्म सही किया जाता है? बहुत सारी कैटरेक्ट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एस्टिगमेटिज्म भी होता है, तो इन पेशेंट्स में अब टॉरिक लेंसेज अवेलेबल हैं जिसमें हम कैटरेक्ट सर्जरी करके टॉरिक लेंस जिसमें एस्टिगमेटिक पावर इंक्लूडेड होती है लेंस के अंदर वो डाल देते हैं और उनका एस्टिगमेटिज्म भी न्यूट्रलाइज हो जाता है और उनको बाद में चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी के बाद चश्मे की ज़रूरत है? IOL इम्प्लांटेशन के बाद आपके चश्मे का नंबर लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का IOL चूज़ कर रहे हैं अपनी आँख के लिए। अगर आप मोनोफोकल लेंस डाल रहे हैं तो आपके आँख में चश्मा लगने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो अगर आप दूर का चश्मा नहीं लगवाना चाहते तो आपको टॉरिक लेंस सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं आपको दूर और नज़दीक दोनों बिना चश्मे के दिखाई दें तो आपको ट्राईफोकल लेंसेज या टॉरिक ट्राईफोकल लेंसेज के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी दर्दनाक है? Nowadays technology has improved so much that IOL implantation procedure is totally painless because only some drops are used to anesthetize the eyes और इन ड्रॉप से आँख सुन करने के बाद पूरी सर्जरी जो कि हार्डली 10 से 12 मिनट की होती है वो बिना किसी दर्द के की जा सकती है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL लेंस रिप्लेस किया जा सकता है? जो इंट्राओकुलर लेंसेज हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी के बाद इम्प्लांट करते हैं वो मोस्टली लॉन्ग टर्म यानी कि लाइफ लॉन्ग होते हैं। वो एक ऐसे इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं जो सारी उम्र लास्ट करेगा और कोई इन्फ्लेमेशन या रिएक्शन नहीं होगा। हालांकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत ही कम IOLs, हार्डली मैंने 15 साल की प्रैक्टिस में 2 या 3 लेंस ऐसे देखे होंगे जो टाइम के साथ ओपेक हो गए और मैंने उनको रिप्लेस किया है। डॉक्टर मनप्रीत, IOL और ICL सर्जरी में से कौन सी सर्जरी बेस्ट है? IOL और ICL ये जो दो टर्म्स हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। IOL उन केसेस में यूज़ किया जाता है जिनको कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, उनमें हम नेचुरल लेंस निकाल के उसके बाद जो लेंस डालते हैं उसको IOL या इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। जबकि ICL उन केसेस में यूज़ किया जाता है जिसमें हमने उनके चश्मे का नंबर उतारना है। ये जो लेंस है ये इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस के नाम से जाना जाता है और इसमें नेचुरल लेंस रिमूव नहीं किया जाता बल्कि नेचुरल लेंस के ऊपर एक और लेंस डाल दिया जाता है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी लेसिक सर्जरी से अच्छी सर्जरी है? IOL और लेसिक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। IOL एक डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि जो पेशेंट में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है उनमें हम इंट्राओकुलर लेंस यूज़ करते हैं और लेसिक उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जिन्हें हम अपने चश्मे को उतरवाना होता है। जो हमारे पास अपने चश्मा उतरवाने के लिए आते हैं उनमें हम लेसिक लेज़र प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी आंखों का रंग बदल देती है? जो इंट्राओकुलर लेंस होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और वो नेचुरल लेंस की जगह इम्प्लांट किया जाता है जो कि बाहर से नहीं दिखता और आपकी आई का कलर नहीं चेंज होता। आपकी आई का जो कलर है वो आयरिस के टिश्यू की वजह से है क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी में उसको नहीं छेड़ा जाता, तो इंट्राओकुलर लेंस डालने से आपका आई का कलर नहीं चेंज होगा। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी सेफ सर्जरी है? IOL is a very safe surgery, but it depends on the technology used, the experience of the surgeon, and the SOPs followed by the hospital. If you are following a good hospital, then probably your IOL surgery is going to be very, very safe.
IOL सर्जरी बहुत ही कामयाब होती है, बट बहुत ही कुछ कम केसेस में IOL सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकती है, आपको किसी और सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, या आँख में सूजिश आ सकती है जो कि नॉर्मली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या IOL सर्जरी पर कॉस्ट का प्रभाव पड़ता है? IOL सर्जरी की कॉस्ट बहुत वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेंस के लिए ऑप्ट करते हैं अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए। दूसरी बात है कि हॉस्पिटल क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, शहर के हिसाब से भी IOL सर्जरी वेरी करती है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। तो IOL सर्जरी की कॉस्ट बहुत वेरिएबल मानी जाती है। डॉक्टर मनप्रीत, हमारी आँखों के लिए कौन से IOL लेंस अच्छे हैं? IOL ब्रांड्स जो बहुत अच्छे माने जाते थे अब तक, वो जॉनसन एंड जॉनसन, एल्कॉन और होया, जो कि सभी इंपोर्टेड कंपनीज हैं, उनके लेंसेज बहुत अच्छे माने जाते थे। बट लेटली इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो बायोटेक है या केयर ग्रुप है या ओरो लेंसेज हैं या अपर लेंसेज है, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग वेरी हाई क्वालिटी लेंसेज। सो नाउ वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग दीज लेंसेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंडियन लेंसेज का ये भी एडवांटेज है कि दे कम एट अ लेसर कॉस्ट, तो आपको वही क्वालिटी अब एक अच्छी प्राइस पे भी मिल जाती है क्योंकि इनमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगती हैं, तो ये एक चीपर प्राइस पे आ जाते हैं विद द सेम क्वालिटी एज ऑफ इंपोर्टेड लेंसेज। डॉक्टर मनप्रीत, हमारी अच्छी नज़र के लिए कौन सा IOL लेंस अच्छा है? अच्छी नज़र के लिए हम लोग IOL हमेशा रिकमेंड करते हैं। आप अपनी आँख की बनावट के हिसाब से IOL चूज़ करके डलवाइए। जो ब्रांड्स कॉमनली बहुत हाई क्वालिटी माने जाते हैं वो हैं एल्कॉन, जॉनसन एंड जॉनसन, होया, बायोटेक, केयर ग्रुप। इनमें कुछ इंपोर्टेड कंपनीज़ हैं और कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ के लेंस बहुत ही हाई क्वालिटी लेंसेज होते हैं। जो अच्छी नज़र है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बजट क्या है और आपको उस बजट में कैसा लेंस डलवाना है। तो दोस्तों, अच्छी नज़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे लेंस के लिए जाएँ। ये आप अपने डॉक्टर से सलाह करके पूछिए कि आपकी आँख के बनावट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट लेंस कौन सा है जो आपको बेस्ट नज़र देगा। डॉक्टर मनप्रीत, प्रीमियम IOL लेंस कौन से हैं? प्रीमियम IOL लेंसेज हम उन लेंसेज को कहते हैं जिनमें एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो आपका एस्टिगमेटिज्म ठीक करते हैं, दूर के साथ नज़दीक की नज़र भी ठीक करते हैं। तो टॉरिक, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल लेंस ये प्रीमियम लेंसेज में आते हैं।